और बड़ी खबर, उधमपुर में हुए डबल ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तारी यहां पर मुख्य आरोपी की हुई है और इसके अलावा इस मामले में दो पूर्व आतंकियों से भी पूछताछ की गई और इस ब्लास्ट केस में एक महिला को भी हिरासत में बकायदा लिया गया है। खबरों के मुताबिक लश्करी तैयबा की कमांडर के इशारे पर किए गए थे धमाके। जांच में पता चला कि यह धमाका स्टिकी बम से किया गया था। पूछताछ के दौरान शिमला से गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त ने ये बात कबूल की। इसके अलावा लश्कर के दो पूर्व आतंकियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार धमाके में इस्तेमाल किए गए स्टिकी बम सीमा पार से ड्रोन के जरिए लाए गए थे। बॉर्डर के उस पार बैठे आतंकियों की आकाने स्टिकी बम की खेप जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर ड्रोन से भेजी थी। स्टिकी बम की खेप धमाके से कुछ सप्ताह पहले हीरानगर सेक्टर में पहुंचाए गए थे और वहीं से कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स ने स्टिकी बम की खेप बसंतगढ़ पहुंचाई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीमा पार से एक मोटी रकम भी अलग अलग अकाउंट में भेजी गई ताकि घटना को अंजाम दिया जा सके। उधमपुर ब्लास्ट में आतंकियों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल किया। आपको अब समझाते हैं कि क्या होता है स्टिकी बम। स्टिकी बम आकार में बेहद छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से किसी भी वाहन में चिपकाया जा सकता है, इसलिए इन्हें स्टिकी बम कहा जाता है। स्टिकी बम को आईडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टिकी बम का इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में होता है और भारत में इससे पहले 2012 में इजरायली राजनयिक के वाहन पर हुआ था। हमले में ईरान के संदिग्ध आतंकियों के शामिल होने का शक किया गया था। और इंटरनेट सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने के हमारे अभियान रहो दो कदम आगे में धोखाधड़ी करने वालों से कैसे बचें, इसके लिए हम आपको आपके समक्ष टिप्स, केस स्टडी और विशेष राय दिखाते रहे हैं। याद रखें, किसी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल शेयर ना करें। देखें कश्मीर के सीरीज की कहानी। इंटरनेट पर एक अच्छी स्थानांतरण कंपनी खोजने की प्रक्रिया में शिराज को 70,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। पहला ही नंबर आया, फोन नंबर, तो मैंने उस पर कॉल की, तो जिस बंदे ने कॉल उठाई तो उससे बात की कि ऐसे लगेज मेरा शिफ्ट करना था। घोटालेबाज ने उन्हें बुकिंग पूरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 5 रुपए की राशि भेजने के लिए कहा। उसके बाद उनके मोबाइल पर एक असुरक्षित लिंक वाला मैसेज आया और उस पर उन्हें अपनी बैंक डिटेल्स दर्ज करने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड के भीतर उन्हें अपने बैंक से लेन देन के अलर्ट आए। तो एक SMS में 40,000, तो दूसरे SMS में 30,000, 70,000 उन्होंने विदिन, मुझे लगता है, मेरे से बात करते करते ही निकाल ली। जब शिराज को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब उन्होंने शेष राशि को दूसरे बैंक खाते में भेजा और साइबर पुलिस को भी सूचित किया। तो उन्होंने भी डिटेल्स पूछ के बोला ठीक है, हम ट्राई करेंगे। कुछ ही दिनों में साइबर पुलिस ने अपराधियों को उनके द्वारा शेयर किए गए लिंक की मदद से ट्रेस करके पैसे वसूल करने में उनकी मदद की। किसी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें, अपने बैंक डिटेल्स कभी शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो दो कदम आगे।